हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नोर स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट सबमिशन के गाइडलाइंस को कि आपका असाइनमेंट सबमिशन कैसे होगा, किस किस मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, गूगल फॉर्म के थ्रू, ईमेल के थ्रू कैसे आपको सबमिट करना है आपका असाइनमेंट, आपके असाइनमेंट का लास्ट डेट क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक, चाहे आप किसी भी आरसी के स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि टाइम टू टाइम आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली 2 के असाइनमेंट सबमिशन के गाइडलाइंस के ऊपर, ठीक है। अदर आरसी के भी स्टूडेंट्स होंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले, बिकॉज इंस्ट्रक्शन सेम ही होता है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस ही किए जाते हैं। तो ये अदर आरसी के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं हर एक आरसी के लिए सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूं गाइडलाइंस के ऊपर, ठीक है। बट आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली 2 के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है इंस्ट्रक्शन, आपको किस किस मोड में असाइनमेंट को सबमिट करना है, कब तक करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन एंड लिंक सबमिशन ऑफ असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, देन आपको ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 के लिए, राइट। और आपको यहीं पे बता दिया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट को एक ही बार सबमिट करना है, या तो आप ऑनलाइन मोड में करो या फिर ऑफलाइन मोड में करो। अगर आपने एक बार कर दिया तो दोबारा नहीं करना है। और चलिए देख लेते हैं, हर एक स्टडी सेंटर की तरफ से अलग अलग इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के अंदर जितने भी स्टडी सेंटर आते हैं तो हर एक स्टडी सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन के गाइडलाइंस को अलग अलग रखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी सेंटर जिनका कोड है 0708, जिनका यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, तो इस स्टडी सेंटर की तरफ से अलाउ किया गया है कि ये अपने असाइनमेंट को ओनली ऑफलाइन मोड में सबमिट करेंगे हार्ड कॉपी को स्टडी सेंटर पर, राइट, 11 AM से लेकर के 4 PM के बीच ही, ठीक है। इनको दूसरा मोड नहीं दिया गया है। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये वाला स्टडी सेंटर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जिसका एड्रेस यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग यहाँ पर लिंक दिया गया है, जो कि ये गूगल फॉर्म का लिंक है। चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप आ जाएंगे, ईमेल नेम, इनरोलमेंट नंबर, अपलोड योर आईडी प्रूफ, राइट। ये सब जो इंस्ट्रक्शन आपसे मांगा जाता है, अपलोड योर असाइनमेंट ऑफ PGDT 01, ये PGDT के लिए दिया गया है, तो उनके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना आपसे मांगा जा रहा है डिटेल्स उसको सबमिट कर देना है। हम लोग लास्ट पेज पर देखेंगे कि कैसे गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करते हैं। चलिए देख लेते हैं अदर स्टडी सेंटर की तरफ से क्या गाइडलाइन दिया गया है। तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं ये स्टडी सेंटर की तरफ से, तो इनको दिया गया है ये ईमेल, इस ईमेल पर आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, इनको कोई और अदर मोड नहीं दिया गया है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसी तरीके से आप देखेंगे तो इस स्टडी सेंटर की तरफ से भी सबमिट करना है वाली ऑफलाइन मोड में हार्ड कॉपी सैटरडे एंड संडे 10 AM से लेकर के 4 PM के बीच, राइट। और इसी तरीके से आप देख पाएंगे तो टोटल स्टडी सेंटर की तरफ से इंस्ट्रक्शन को जारी कर दिया गया है, ईमेल आईडी कहीं पर दिया गया है तो कहीं पे गूगल फॉर्म, तो कहीं पे बोला गया है कि ओनली ऑफलाइन मोड में ही सबमिट होगा। बहुत ज्यादा ऐसा स्टडी सेंटर है जो ओनली ऑफलाइन मोड में ले रहे हैं सबमिशन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप अपने पूरे स्टडी सेंटर के लिए चेक कर लेंगे, जितना भी स्टडी सेंटर है दिल्ली 2 के लिए, सभी के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आप चेक कर लेंगे कि इसमें से आपका कौन सा स्टडी सेंटर है, राइट। इस 8 पेज के PDF में जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा वहां से आप इस कोड को मिला लेंगे, ये आपका है या फिर नहीं। आप अपना कॉलेज का यहाँ पर पूरा एड्रेस देख लेंगे, उसके बाद इधर ईमेल आईडी फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट जो भी आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा, जिस मोड में बोला जाएगा असाइनमेंट सबमिट करने को, उसी मोड में आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि गूगल फॉर्म के थ्रू अगर आपको बोला जाए असाइनमेंट सबमिट करने को तो आप कैसे करेंगे। उससे पहले आपको गाइडलाइंस को देख लेना है, क्लिक हियर फॉर गाइडलाइंस पे क्लिक करके, कि कैसे आपको बोला गया है अरेंज करने के लिए असाइनमेंट को और कैसे असाइनमेंट को अरेंज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइंस में, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपका असाइनमेंट है वो हैंड रिटन होना चाहिए, मीन्स आप फोटो स्टेट करवा के किसी और से लेके इसे सबमिट नहीं कर सकते हैं, हैंड रिटन होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपका जो असाइनमेंट का फर्स्ट पेज होगा तो उस पे आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, स्टडी सेंटर का कोड होना चाहिए, कोर्स कोड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए स्टूडेंट्स का, जो भी स्टूडेंट सबमिट कर रहे हैं। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके का आपका फ्रंट पेज होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके का आपका फ्रंट पेज होना चाहिए, इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, फाइन। अगर आप बोले तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको फिल कैसे करना है फ्रंट पेज को, इसके ऊपर वीडियो अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट गाइडलाइंस क्या है। तो नेक्स्ट गाइडलाइंस में आपको बताया गया है कि आपके जो असाइनमेंट है तो असाइनमेंट के ईच पेज मीन्स सभी पेज पे आपका साइन होना चाहिए, मीन्स आपका नाम होना चाहिए,
टॉप और बॉटम दोनों में जब आप अपने असाइनमेंट के पेज को स्कैन करके अपलोड कर रहे होंगे तो आपका बॉटम और टॉप दोनों पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और नेक्स्ट आपको बोला गया है कि जब आप अपने असाइनमेंट को स्कैन कर रहे होंगे ऑनलाइन मोड में सबमिट करने के लिए तो उसको अच्छे से स्कैन करेंगे वन बाई वन, राइट। और आपका स्कैन किया हुआ पेज एकदम क्लियर होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। और नेक्स्ट में आपको बताया गया है ईच कोर्स का, मीन्स मान लीजिए आपका एक कोर्स है पीएचई 11, ठीक है, तो पीएचई 11 के असाइनमेंट में अगर आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है तो उस 5 क्वेश्चन के लिए आप एक पीडीएफ बनाएंगे और उसको एक बार में सबमिट करेंगे। अगर आपके पास 2-3-4 कोर्स कोड है तो सभी के लिए एक ही बार नहीं पीडीएफ बना देना है, एक एक कोर्स कोड के लिए एक एक पीडीएफ बनाना है, ठीक है। वो आपको 5 नंबर पॉइंट में बोला गया है। 6 नंबर पॉइंट में आपको बोला गया है अगर आप ईमेल के द्वारा अपने असाइनमेंट को सेंड कर रहे हैं तो ईच कोर्स कोड के लिए सेपरेटली आपको सेंड करना है, मीन्स एक कोर्स कोड के लिए असाइनमेंट आपको एक बार सेंड करना है और नेक्स्ट के लिए फिर से आप एक बार सेंड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही बार अटैच करके सेंड कर देना है। और नेक्स्ट नंबर 7 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप पीडीएफ बनाएंगे असाइनमेंट का, जब आप असाइनमेंट को बना लेंगे तो उसका जब स्कैन करने के बाद आप पीडीएफ बना रहे होगे तो उसका फाइल का नाम क्या होगा, तो उस फाइल का नाम होगा सबसे पहले आपका इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद जिस कोर्स कोड के लिए आप असाइनमेंट बना रहे हो, मान लीजिए MEG1 हो या फिर कोई और हो, पीएचई 11 हो, जो भी हो, तो आपको इस तरीके से आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ऐसे आपको पीडीएफ बनाना है। पहले आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, उसके बाद आपका कोर्स कोड, जिस कोर्स कोड के लिए आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर रहे होंगे। और नेक्स्ट आपको बताया गया है कि अगर आपने ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट कर रखा है तो ये आपके लिए नहीं है इंस्ट्रक्शन, इसको आप इग्नोर कर दें। तो चलिए देख लेते हैं अब गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपने असाइनमेंट को कैसे सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, वो ईमेल आईडी जो कि एक्टिव है और आपके नाम से है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे, यहाँ पर जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा वो डाल देंगे, यहाँ पर आप अपना आईडी प्रूफ मीन्स आप अपना इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड को डाल देंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे जो भी एक कोर्स कोड के लिए PGDT 01 का, ठीक है। जितना भी आपका कोर्स कोड होगा अलग अलग ऑप्शन दिया गया है असाइनमेंट को सबमिट करने का, तो ऐड फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देन सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस का आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपका जो भी डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे जहाँ पर भी आपका पीडीएफ होगा यहाँ से आप क्लिक करके ओपन करके यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे, देन आपका फाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी फाइल को अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद आप यहाँ पर एग्री पर क्लिक करेंगे कि आपने जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको पालन करते हुए अपने असाइनमेंट को सबमिट किया है। तो एग्री करके जैसे ही आप सबमिट करोगे पहले आप देख लो इस तरीके से मैंने पीडीएफ को ऐड कर दिया, उसके बाद आपका यहाँ पर इस तरीके का शो करेगा। जैसे ही आप ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम पे, यहाँ पर आप अपने पीडीएफ को सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रोसेस हो गया, ठीक है। देन आप देखो यहाँ पर पीडीएफ अटैच हो गया, राइट। इस तरीके से सभी को करना है। सारे फाइल को अटैच करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और जब आप अपने असाइनमेंट को सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं देन आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा कि थैंक्स फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 एट स्टडी सेंटर इतना, ठीक है। या फिर आपके ईमेल पे आपको आ जाएगा मैसेज कि आपने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है। और अगर आप ईमेल के थ्रू असाइनमेंट को सबमिट कर रहे हो तो आपका जो सेंड बॉक्स में आपने जो किया सेंड वही आपका प्रूफ होता है। तो इन सभी को आप संभाल कर रखेंगे ताकि अगर आगे आपका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट ना किया जाए तो आपके पास प्रूफ ये रहे कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। मैंने पूरा दिल्ली टू रीजनल सेंटर के लिए हर एक स्टडी सेंटर पे कैसे कैसे सबमिट करना है, गूगल फॉर्म के थ्रू कैसे करना है डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अभी भी कोई आपका डाउट हो देन आप कमेंट करके जरूर हमसे क्लियर कर ले, राइट। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दे एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।